शहर नबी का मंजर, शहर नबी का मंजर आँखों को तो दिखा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफिस से होंगे। दोस्तों, आज माशाल्लाह जुमा मुबारक, जुमे का दिन है और इस वीडियो के अंदर मैं नौशाद बी के एस कर्नाटक का उनके सफ़र को लेकर बात करूँगा। दोस्तों, माशाल्लाह उनका सफ़र शुरू हो गया था, जैसा कि हमने आपको अपडेट दे चुके हैं अब से पहले भी। दोस्तों, वो 8 अक्टूबर 2023 को निकल चुके थे अपने सफ़र पर दिल्ली से। दिल्ली के अंदर वो दो ढाई महीना रुके वीज़े के लिए, वहाँ रहकर अपने कागज़ों की कार्रवाई की। उसके बाद में उनको पाकिस्तान का वीज़ा रिसीव हो गया माशाल्लाह, और आज उनको छठा सातवां दिन सफ़र पर है। वो इस वक्त अपना सफ़र कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अब यहाँ से उनका जो सफ़र है वाघा बॉर्डर का बहुत करीब है। यहाँ से वो जो है निकले दिल्ली मुस्तफ़ाबाद से, उसके बाद उनका सफ़र मुरादनगर का, फिर इसी तरीके से गाज़ियाबाद, फिर करनाल, फिर करनाल के बाद लुधियाना, फिर वाघा बॉर्डर। तो ये भी दो तीन जो है ज़िले और हैं, इंशाल्लाह इनको क्रॉस करके वो पहुंचने वाले हैं वाघा बॉर्डर। और वाघा बॉर्डर भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह एंट्री करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वो पाकिस्तान को ही जाएँगे। पाकिस्तान के वीज़े के लिए ही उन्होंने दो तीन महीना वेट किया वीज़े के लिए, और वो माशाल्लाह उनको वीज़ा मिल गया। उसके बाद ही उन्होंने वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया। इस वक्त वो सफ़र में हैं और लोग इनका भी बड़े ज़ोरदार इस्तकबाल कर रहे हैं। जैसे हाजी शिहाब शुटूर के साथ में लोगों ने काफ़ी मोहब्बत है उनके साथ में, उन्होंने दिखाई और उनके साथ में चले, उनका इस्तकबाल किया। ऐसे ही माशाल्लाह इनके साथ में भी चल रहे हैं और इस वक्त इनका सफ़र जारी है, रवा दवा है अपने सफ़र पर। माशाल्लाह ये चल रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। तो दोस्तों, ये बहुत जल्द इंशाल्लाह वाघा बॉर्डर पहुँचने वाले हैं। आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा, जो भी अपडेट आती रहेगी, इंशाल्लाह वो भी आपको हम शेयर करते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। इस वक्त वो नेक्स्ट कंट्री जो उनकी है वो पाकिस्तान की है, इंडिया के बाद। उसके बाद देखते हैं उनका कौन सा रूट रहेगा। वो रूट वही रहेगा जो शहाब छटूर का रहा, या और कोई बदलेंगे। तो आप बने रहें, जैसे ही कोई अपडेट आती रहेगी वो भी आपको हम फौरन शेयर करते रहेंगे। आज जुमे के दिन का लाइव लोकेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस वक्त वो अपना सफ़र कर रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर वो जो है करनाल, लुधियाना, इसी तरीके से वाघा बॉर्डर पहुंचेंगे। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है अपना कमेंट ज़रूर लिख दें। मैं इस वीडियो में रुख्सती चाहता हूं। मैं हूं आप सबका मेज़बान मोहम्मद इमलान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।